पूर्वांचल में आज होली है और होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं कबीर की निर्माण स्थली मगहर में और मगहर में अलग ही एक होली का रंग देखने को मिल रहा है और होली का मिजाज और खुमार जो है सर चढ़ के बोल रहा है। टीएन जी, कैसी होली है? बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, पूरे देश प्रदेश एवं ज़िले के नगर के सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत ही आनंद पूर्वक होली मनाई जा रही है आज। आज का वेशभूषा कैसा आपका? ये तो होली का खुमार है और उस बुलडोजर का कमाल है। बहुत बहुत शुभकामना सबको। बुलडोजर से ये गले में क्या डाल रखे हैं? बुलडोजर का कमाल यही है क्या? हाँ, बुरा न मानो होली है। तो होली का अपना अलग अलग रंग है। आप बताइए होली का कितना खुमार चढ़ा? होली का तो ऐसा खुमार चढ़ा है कि उस खुमार में जितने भी आताताई हैं वो सब दुम दबा के भाग चुके हैं आज के खुमार में। तो लग रहा आप सबसे बड़ा आताताई आज होली है। नहीं, हम आताताई नहीं है, हमारे प्रेम की सीमा इतनी लंबी हो चुकी है कि हम 0 से 100 को टच करते चलते हैं। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हैं? 100 तक? हम पूरे को समाहित कर चुके हैं, चाहे हमारा दाएं का भाई हो, बाएं का भाई हो, ऊपर का हो, नीचे का हो। तो नीचे ऊपर के कैसा, ऊपर नीचे का भाई कैसा होता है? मगहर की जनता बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाती है और इस त्यौहार के मनाने में हमने देखा है कि जो समावेशी परिकल्पना है लोगों के अंदर वो पूरी तरह कूट कूट के भरी हुई है और लोग अपने त्यौहार को किस ढंग से मनाना चाहिए, किस सिस्टम से मनाना चाहिए, ये मगहर का बच्चा बच्चा समझता है इस चीज़ को। आप बताइए टीएन जी, ये कह रहे हैं कि आताताई जो है लेकिन आप लोग आज होली के रंग में ऐसे रंगे हैं कि सबसे बड़े आताताई नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी सनातन परंपरा है, होली को बहुत ही सादगी पूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना होली की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रंग है, मगहर का रंग है और हर अलग अलग जगह। आप बताइए कितनी खुशी है होली में? बहुत खुशी है। कैसे मना रहे हैं? दिल से मना रहे हैं, दिल से मना रहे हैं हम लोग। और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? ये मान के चलिए कि होली में बहुत खुश हैं। माननीय योगी जी के आदेश के अनुसार जो 19/3/2022 को होली मनाई जा रही है, ये समझ लिए बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है। और अगर सब लोग चाह लेंगे तो योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और रंग दिखाना चाहेंगे। ये होली का रंग है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, ये होली का रंग है। और जो है होली में लोग अपने अपने रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कौन सा रंग लेके चल रहे हैं होली का? हम बहु रंग का तो 2-3 आइटम है मेरे पास, वही रंग लिया हूँ। लेकिन हमारा चेयरमैन बहुत बढ़िया है कि आज मैं इतना प्यार से खेला होली कि मेरा भूसट भी नीचे चला गया है। कैसे भूसट कैसे नीचे? खोल के सब नीचे कर दिए, पिक सब जानते हैं, झगड़ा करते हैं। चेयरमैन से आ रहा हूँ भाई, वहाँ खाया भी कुछ हूँ, खा के आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ खुमार उमार चढ़ा नहीं होली? नहीं, होली खुमार नहीं चढ़ा। नहीं, उसके लिए हम नहीं मांगे है ना। हाँ, हाँ। मांग तो अभी देते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं। कुछ स्मेल आ रही है? वो तो हम पहले से लिए थे, वो बात की बात है, वहाँ से नहीं मिला है। उनके यहाँ गुजिया खाया हूँ और गुजिया खा के होली में सब माफ। हाँ, सही है। नहीं तो हम नहीं कह सकते हम होली हम लोग का बड़ा कायदे से निपका रहा सर, बहुत प्यार से निपका रहे हम, प्यार से निपका रहे हम लोग। 2 दिन का होली हो गया है, हम लोग प्यार से अपना होली मना रहे हैं। 12-1 बजे बाद अपना सब कुछ अपना हाथ धो के निकलेंगे, सबसे गले मिलेंगे। अभी अभी क्या कर रहे हैं? अभी गले नहीं मिल रहे? नहीं, 12 हेलो अभी गले मिल रहे? हाँ, गले एकदम मिल रहे हैं सबसे, आपसे भी मिलेंगे, जो हमारे भाई खींच रहे हैं उनसे भी गले मिलेंगे। आप बताओ आगे क्या तो आप हम मिल के मिल चले आगे घर, क्या होएगा कल भी कुछ सुनाओगे? कुछ गीत होली का? होली का गीत सुनाए? बाप रे बाप, अरे सारा रा 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 रा
ये होली का रंग है और होली का अपना अपना मिजाज है। आप बताओ युवाओं की होली कैसे हो रही है? अरे बोलिए बाबू, जो बताइए होली का त्यौहार बहुत अच्छे से गुजर रहा है। अच्छा लगा या नहीं? अरे बहुत अच्छा लगा। तो ये होली का रंग है, जगह जगह अपनी अपनी होली की छाप है और होली की खुमारी अपने अपने लोग अपने अपने अंदाज में मना रहे और अगले होली के रंग को देखने के लिए फिर दूसरी जगह चलते हैं। अरे कोई नहीं, तो जनता के साथ हम लोग भी होली खेल रहे हैं और अगला होली का रंग क्या है, अगले लोगों का मिजाज क्या है, वो जानने के लिए फिर आपको दूसरी जगह लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर होली का जश्न मना रहे हैं और निश्चित ही जो संदेश है कि होली पर अच्छाई का विजय का संदेश जाता है, इसीलिए हम लोग होली के माध्यम से प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे और जनता ने भी हमें आसमान स्वरूप जो जिले के जो की तीनों सीटें जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। ये माना जाता है कि आज की जो विजय है विजय होली ये भगवा होली के रूप में हम सभी लोग प्रदेश में मना रहे हैं। देखिए जनता से यही अपील है कि बुराई पे अच्छाई की जो जीत आज हुई है, 10 तारीख को जो जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी उसको कायम रखे और जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना हो उसके लिए हम सभी लोग काम करें और निश्चित तौर पर राम राज्य आपको आता हुआ दिख रहा है और इसी में हमारी जनता की भलाई है और जनता हमारे साथ चल रही है। इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मैं तो बहुत आनंदित हूँ भैया, कायस की जो बात जिलो भर में तीनों सीटें हमने जीता गया है और ये इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। जो पिछला रिकॉर्ड रहा है विपक्षियों ने तो बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र किए, उन षड्यंत्रों को भी हमने बुरी तरीके से परास्त करके इतिहास किया है। और युवा हमारे कहाँ गए विधायक जी, गए क्या बाहर है? बाहर एक युवा विधायक सदस्य मिला है प्रतिभावान जो हमारे सांसद जी के नेतृत्व में ये जिला और ये पूर्वांचल इसका जो विकास होने जा रहा है। आप लोग सभी देखेंगे कि अब तक के इतिहास में लोकतंत्र के इतिहास में जो विकास का कार्य हुआ है उसका कई गुना आने वाले 2-3 वर्षों में आपको दिखाई देगा। संत कबीर नगर संत कबीर की धरती है, यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा था कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, तो झूठ वाले जो थे वो परास्त हुए हैं और सच वाले जो थे वो विजयी हुए हैं। तो मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ पावन पर्व पर अपने इस विधानसभा और विधानसभा मैदान साथ ही साथ नगर की जनता को और इसी प्रकार का सौहार्द आपसी के बनाए रखें इसकी मैं कामना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ। खुशी है इस होली पर, इस होली हम लोग सिर्फ होली की तरह नहीं पूरा खलीलाबाद हमारा पूरा जनपद हो गया है। शुभकामना पूरे जनपद वासियों को, सभी लोगों को, माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को सबको सारी शुभकामना देता हूँ और सबके आशीर्वाद से जो पूरे प्रदेश में खलीलाबाद का नाम रोशन हुआ है निश्चित तौर पे हमारे माननीय सांसद हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी इन सबको भी इन सब की तरफ से मैं पूरे जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जगदम्बा जी आपके कंधे पे बड़ा एक भार था, आपके जिले का भार था और आप रणनीति जो है कामयाब हुई है, इस होली पर कैसा जश्न करते हैं? ये होली का त्यौहार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे जनपद में मना रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो काम किया
उनके काम पे इस प्रदेश की जनता, इस जनपद की जनता ने मुहर लगाया कि प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी ने बेहतर काम किया। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों के आधार पे जनता ने हमारे सभी उम्मीदवारों को, हमारे सभी विधायकों को आशीर्वाद दिया और इन्हें बहुमत से आशीर्वाद दिया और विजयी बनाया। इस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ जनता ने इनको विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, उस विश्वास पे हमारे विधायक सभी खड़े उतरेंगे और संत कबीर नगर का नाम प्रदेश के एक नंबर पे दिखा के रहेंगे, ऐसा ये सबका हमें विश्वास है। क्योंकि ये सभी योग्य और कुशल लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे और संत कबीर नगर की जो अधूरे अधूरे काम है उसको पूरा करने का काम अंकुर जी और सांसद जी और हमारे विधायक जी तीनों लोग मिलकर करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। निश्चित रूप से इस जनपद का चौमुखी विकास होगा। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक जो पूरी तरह से लामबंद है और भगवा भूमि बनाई जा रही है संत कबीर नगर में, और ये विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में संत कबीर नगर का संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।